बड़े सगीर जनूबी एशिया में बल्कि यूँ समझिए दुनिया भर में बाजा खान के फलसफे उनके नज़रियात का बहुत बड़ा मकाम है, खसूसन जो उन्होंने अदम तशद्दुद की जो पूरा फलसफा है उसके ऊपर अमल करना सिखाया और साथ में जो उनके दीगर इंसानियत पर मबनी ख्यालात थे वो ना सिर्फ उस वक्त रेलिवेंट थे जब वो जिंदा थे बल्कि आज भी उनकी अशद ज़रूरत है हमारे खित्ते में, मुल्क में, दुनिया में। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में बाजा खान का एक तरह से इरेजर कर दिया गया है, उनकी याद जो है वो मिटा दी गई हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारे आम जो तारीख के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये बड़ा ज़्यादती है क्योंकि एक मखसूस तरीके से उनको देखा गया, उनकी ज़िंदगी, उनके फ़लसफे को देखा गया और ये तय किया गया कि वो शायद पाकिस्तानी नहीं थे या मुहिब्बुल वतन नहीं थे। ये बात जो है बहुत गलत थी और आज भी मैं कहूँगा कि ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को रूशनास कराएं कि बाजा खान का क्या नज़रिया था, क्या फ़लसफ़ा था, और ख़ुसूसन नौजवान लोग ये जानें कि इस तरह की हस्तियाँ जो हैं वो बड़े अहम पैगाम छोड़ के जाती हैं और उसके ऊपर सोचना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है और सबसे अहम ये कि उनको याद करना भी ज़रूरी है।